નંદ કિશોર રામ નામ લેતે સભી ઠગ ઠાકુર ઓર ચોર ચોર ભી માતાજી મનાર જાવે યે બડા બુડા તો ત્યારે ચોર કશી માતાજી ને મનાર ચોરી કરવા જાવે એક માતાજી હે દિયાડી માતાજી એક બરવાડા કી માતાજી ये दो माता जी यानी कि जो चोरों की माता जी कहलाई जाओ अगर यहाँ के डोग फेर चले गए चोर को काम फाइनल तू ले रिया से राम नाम लेते सभी ठग ठाकुर और चोर लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर सजना बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है एक जमानु यान को जिमत प्रीत चालिया करती भाई बहन की प्रीत माता पिता की प्रीत गुरु चेला की प्रीत भी के बाद प्रीत खत्म होगी फिर भी के बाद में प्रेम आ गयो द्वापर में राधा कृष्ण का प्रेम ओ भाई बहन का प्रेम और आजकल न तो प्रीत है न प्रेम है आजकल चादरों है प्यार आजकल प्रीत में भी न समझे प्रेम में भी न समझे आजकल लोग छोटा छोटा की आई लव यू मॉम गुरु वाह यार यानी आजकल प्यार की भाषा में लोग समझ रहे हैं प्रेम बुरी चीज नहीं है कि प्रेम की बात निराली देखी प्रेम से फलती प्रेम की डाली देखी अरे प्रेम तो वो चीज है जो शैतान को भी इंसान बना देता है प्रेम तो वो चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है पत्थर को भी भगवान बना देता है बोले मंदिर में बैठे बालाजी थोड़ा ही लेकिन आपको प्रेम है कि आप वहां के हाथ जोड़ दे सजनो ये प्रेम की बात देखिए आप वो पत्थर एक बार महीने गयो और मंदिर में भगवान बने बैठ गयो अरे आप रोज ही नहीं जड़े आ रहा है लेकिन एक दिन ही भगवान नहीं बने बोलो आप पत्थर मंदिर में एक ही बार गया और वो वहां पर भगवान बन गया लेकिन इंसान रोजाना जाता है आता है लेकिन कभी भगवान नहीं बना तो अपना वाचो तो भाटो या छो कम कम एक बार भी भगवान बन गयो लेकिन उस पत्थर ने हजारों हथौड़े कहे हजारों हथौड़ा खार वो पत्थर मूर्ति बनो आपने दो चार हथौड़ा के पड़े ने पड़ा गाबा समेट चलो जयपुर न पड़े पार दो चार हथौड़ा की न पड़ी लगाओ बंदो दो चार हथौड़ा की न पड़ी शीशी पी जाऊंगी सो को पी जा तू भी राजी मैं भी राजी ये मिनटा में शीशे पी गए आपने तो घर बोतला को काम लेकिन ये तो शीशे ये नहीं रीझे जी भगवान अरे प्रेम बिना नहीं रीझे हो भगवान एक बार भगवान विष्णु ने भक्त पूछा कि भगवान आप कदे कदे धाप रोटी खाई बार आपा ने पूछो तो हमें कदे बताओ बताओ पता ही कौन कि वो समय बताओ जब आपका पेट तृप्त हुआ हो जब आप धाप रोटी खाई तो वो कौन सी जगह थी जहां पर आपने भरपेट भोजन किया प्रभु ने जवाब दिया मेरे सजनों कि सात दीप लोखंड में नित का ही जिमणार एक शबरी एक विदुर घर तृप्त हुए दो बार सिर्फ दो बार में भरपेट भोजन खाया मैंने भगवान ने बताया कि एक तो शबरी के घरे झूठा बेर खाया बी दिन मारी आत्मा धापी मैं भरपेट भोजन करियो और एक दिन विदुर के घर मैंने साग पात खाई बी दिन मारो पेट भरियो मैं धाप रोटी खाई बाकी सात दीप लिए नौखंड में रोजी नहीं नूता लागे रोजी नहीं जीमा भी जाऊं लेकिन घटे मजा ना दो ही घरे मजा आओ ये था प्रेम और इसी प्रेम के भूखे मेरे दीनानाथ मेरे ठाकुर मेरे बालाजी महाराज